नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में स्वागत है। आज साथियों हम लोग बात करेंगे मेडिकल टर्म में मरीजों द्वारा सबसे कॉमनली इस्तेमाल करने वाले वर्ड के विषय में, शब्द के विषय में, और वह है एलर्जी। तमाम मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब एलर्जी हो गई, ये एलर्जी हो गई, वो एलर्जी हो गई, ऐसी एलर्जी हो गई, वैसी हो गई, इस चीज़ से हो गई, उस चीज़ से हो गई, तमाम, लेकिन एलर्जी वर्ड उसमें होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलर्जीज के विषय में और आपको बताएंगे कि कैसे आप इससे निपटें, कैसे आप इसका निदान करें। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं एलर्जी होती क्या है। एलर्जी साथियों, आपका जो बॉडी होता है उसका एक डिफेंसिव सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है। कभी क्या वक्त आता है कि आपका बॉडी हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। तो जब आपका एक्सटर्नल कोई इन्फेक्शन आता है, या वो इन्फेक्शन नहीं भी होता है, कोई भी एलर्जन होता है जो वास्तव में जिसको आपको एलर्जी नहीं कॉज करनी चाहिए, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम उसके लिए हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स रखता है, उस हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स में जो स्थिति उत्पन्न होती है उसी को एलर्जी कहते हैं। सपोज कीजिए किसी को मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी है, तो जब आपने मिल्क प्रोडक्ट्स का इंटेक करा तो जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसने जो एंटीबॉडीज बना रखे हैं उन्होंने उस पर अटैक कर दिया और इसको मरीज ने आके कहा मिल्क एलर्जी है। तो ये जो बॉडी इम्यून का हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स होता है एलर्जन के विरुद्ध में, इसी से उत्पन्न कंडीशन को एलर्जी कहते हैं। इसमें साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि यह जो है कभी बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है बॉडी में, कभी यह सालों में होता है, कभी यह सालों में भी पूरा नहीं हो पाता है, एक पार्शियल होता है। उस स्थिति में आपके शरीर में एलर्जी मॉडरेट होती है, और अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स डेवलप हो जाता है पूरी तरह तो इसको ज़्यादा हो जाती है। ये जो प्रोसेस होता है बीच का कि एलर्जी डेवलप होने के लिए जो एंटीबॉडीज जनरेट हो रहे हैं उनको जो इम्यून सिस्टम जो रिलीज करता है उनको पूरा डेवलप होने के बीच का जो प्रोसेस होता है उसको सैनिटाइजेशन कहते हैं। यह एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। बात कर लेते हैं साथियों इसके सिम्टम्स की। एलर्जी में साथियों जिस तरह की एलर्जी वैसा सिम्टम। अगर आपके जो है वो नेसल एलर्जी है तो छींकों का सिम्टम आ गया, अगर आपके अर्टिकेरिया है तो स्किन में आपके बल्ज आ गए, अगर आपके मच्छर के काटने से आपके एलर्जी हो जाती तो उस तरह की लाली होगी, मच्छर ने काटा और भारी घाव बन गया, भारी वो स्केल्स आ गए, भारी चकत्ता बन गया, तो इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस होते हैं। बात कर लेते हैं साथियों इसका एक सिम्टम में एक स्थिति और होती है, इसको कहते हैं एनाफाइलेक्सिस। यह आपको जानकारी होनी चाहिए, यह एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग सीरियस कंडीशन, मेडिकल कंडीशन होती है जो कि एलर्जीज में होती है। जैसे क्या होता है, हम लोग आम तौर पर एलर्जीज को बहुत हल्के में लेते हैं कि एलर्जी है तो है, लेकिन एलर्जी के में अगर यह कंडीशन आपके क्रॉनिक कंडीशन डेवलप हो गई तो यह लाइफ थ्रेटनिंग होती है, जिसमें आपके अनकॉन्शियसनेस भी आ जाती है, आप बेहोश हो जाते हैं, आपका बीपी भी लो हो जाता है, आपको पेन बहुत बढ़ जाता है और आपको तकलीफ़ें होती हैं और एक मेडिकल इमरजेंसी के आप एंटाइटल्ड होते हैं। तो इस वर्ड को अगर आपके किसी भी चीज़ की एलर्जी है तो आप इस वर्ड को अवश्य ध्यान में रखें। बात कर लेते हैं साथियों उसके कारणों की। इसका कारण साथियों जैसा हमने बताया कि जब आपके कोई एलर्जन आता है आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसको बाहरी पार्टिकल एक इंट्रूडर के रूप में, एक दुश्मन के रूप में रिकग्नाइज करता है और आपका इम्यून सिस्टम IgE जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं वह एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं और यह एंटीबॉडी उस विशेष इन्फेक्शन को पहचानते हैं। कभी यह जल्दी पहचान लेते हैं, कभी इनको पहचानने में वक्त लगता है, कभी महीनों का, कभी सालों का, लेकिन ये पहचानते हैं। जितना ज़्यादा पहचानते हैं उतना ज़्यादा आपको इसका बुरा रिस्पॉन्स
आता है। तो जब ये आप पहचान लेते हैं तो जब भी वो एलर्जन आपके बॉडी आप उसके कांटेक्ट में आते हैं तो आपके यह जो एंटीबॉडीज़ होते हैं यह उस पर हमला कर देते हैं और यह ही आपके मैनिफेस्टेशन के रूप में विभिन्न विभिन्न जिस तरह का एलर्जन उस तरह का मैनिफेस्टेशन उस रूप में आपके सामने आते हैं। इसकी साथियों इसीलिए डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर आईजीई का टेस्ट कराता है। कभी आपको एलर्जीज रही होंगी तो डॉक्टर ने आईजीई टेस्ट जरूर कराया होगा, या इम्यूनोहीमोग्लोबिन्स होते हैं जो कि ब्लड में रिलीज होते हैं और यही प्रतिरोधक क्षमता जो शरीर की है यही आपका एंटीबॉडी बना के आपको सही करने वाली चीज़ को कष्ट के रूप में आपके शरीर में दे देते हैं। पॉलन एलर्जी की साथियों होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं जो आपको बिल्कुल ठीक कर देंगी। बस बात यही है कि आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कोई भी दवा, जैसे हमने कहा कि इसमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी एनाफाइलेक्सिस की एलर्जीज के साथ इन्वॉल्व रहती है, इसलिए कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लीजिएगा। पता नहीं कि दवा का क्या मैनिफेस्टेशन हो और आपको क्या वह नुकसान पहुँचाए। बताते हैं साथियों आपको एलर्जी को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। पहली स्थिति जो साथियों पॉलन एलर्जी में आती है वह है कि आपके कोई पॉलन आया हवा में और आपके इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी ने उस पर हमला करा और आपके नाक से पानी आने लगा, आँख से पानी आने लगा जो जलन कर रहा हो और आपको छींकें आने लगी। तो अगर यह स्थिति है साथियों तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में तीन बहुत कारगर दवा हैं। पहली दवा है एलियम सीपा, दूसरी दवा है यूफ्रेसिया और तीसरी दवा है आसनिक एल्बम। एलियम सीपा साथियों उस स्थिति में बहुत कारगर है पॉलन के एलर्जी के इन्फेक्शन में कि जब आपको नाक से और आँख से पानी आ रहा है और जो आपके नाक से पानी आ रहा है उसमें जलन है, अगर यह स्थिति है तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस एलियम सीपा है। दूसरी स्थिति साथियों पॉलन एलर्जी में आती है कि आपके आँख से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, लेकिन जो आँख से पानी आ रहा है उसमें जलन है, तो अगर आई से जो लैक्रिमल डिस्चार्ज हो रहा है उसमें आपको बर्निंग सेंसेशन हो रहा है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है यूफ्रेसिया ऑफिसनेलिस। यूफ्रेसिया ऑफिसनेलिस 200 पावर में आप दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका पॉलन एलर्जी भी खत्म हो गई और आपके आँख से जो पानी आ रहा है, जो जलन कर रहा है, वह भी खत्म हो गया। तीसरी दवा साथियों पॉलन एलर्जी की बहुत कारगर है वह है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम उस स्थिति में बहुत कारगर है कि जब आपके छींकें आ रही हों, नाक से आँख से पानी आ रहा हो और आपका गला बहुत सूख रहा हो, उस स्थिति में ड्रग ऑफ द चॉइस आर्सेनिक एल्बम है। आप 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार लेकर इस दवा से अपनी पॉलन एलर्जी को ख़त्म कर सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों कि आपके जब पॉलन की एलर्जी होती है और उसके आपके नाक में बहुत इचिंग होने लगती हो, आपके नज़ला तो हो ही, आपके रनिंग नोज़ हो, आपके आँख से पानी भी आता हो यानी लैक्राइमेशन भी होता हो, लेकिन साथ में आपकी नाक में खुजली बहुत होती हो पॉलन की एलर्जी से, अगर यह स्थिति हो साथियों तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है अरिंडोमोरी। अरिंडोमोरी 30 पावर में दो दो बूंद आप दिन में तीन बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका यह जो नोज़ में इचिंग हो रही, खुजली हो रही है नाक में पॉलन एलर्जी से, वह भी ख़त्म हो गई और आपकी पॉलन एलर्जी भी ठीक हो गई। फिर साथियों एक स्थिति आती है पॉलन एलर्जी की स्थिति में कि आपके एलर्जी हुई और उसके बाद आपको बहुत नाक बंद हो गई और जो बलगम है वो आपके थ्रोट में जाने लगा, अगर यह स्थिति आप में हो, आपकी पॉलन एलर्जी हुई हो, आपकी नाक बंद हो गई हो और बलगम आपके थ्रोट में जाने लगा हो तो उस स्थिति को ठीक करने में होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है काली बाइक्रोमेटम। काली बाई 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लें, आप देखेंगे कि जो आपके बलगम जमा हो रहा है वो वापस जो अंदर थ्रोट में चला जा रहा है वह भी ख़त्म हो गया और आपकी पॉलन एलर्जी भी ख़त्म होने लगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपके एलर्जी हुई पॉलन से हुई, डस्ट माइट से हुई, इस तरह के जो धूल गर्दा से हुई और उसके बाद आपको जो है वो छींकें नज़ला हुआ, साथ में फीवर आ गया और सर में दर्द होने लगा और आपकी प्यास बिल्कुल नहीं लगी, अगर यह सारे सिम्टम हो तो आपकी दवा जलसीमियम है। जलसीमियम सेमी परवाइनम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लें, आपकी
छींके नज़ला भी ख़त्म हो जाएगा, आपकी डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, वीकनेस भी ख़त्म हो जाएगी और आपकी यह एलर्जी जो कि डस्ट माइट्स या पॉलन से हुई है वह भी ख़त्म हो जाएगी। नंबर एक दवा साथियों जो कि नेसल एलर्जीज की है या पॉलन एलर्जी की है, डस्ट माइट्स की है, वह है थायरोडिन। आप थायरोडिन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपकी जिस भी तरह की नेसल एलर्जी है उसमें आपको ज़रूर राहत मिलेगी और आप बहुत सुलभ अपनी स्थिति पाएंगे, चाहे वह छींके आना हो, चाहे वो नज़ला होना हो, चाहे वो सर दर्द होना हो, चाहे वो नाक में खुजली हो, चाहे इरिटेशन हो, चाहे आपको जो भी नेसल एलर्जी से संबंधित समस्या हो, आप थायरोडिन 30 लेकर उस समस्या को ख़त्म करके लाभ पा सकते हैं। ये दवाएँ थी आपके एलर्जी के विषय में। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको संतोषजनक जवाब दे पाएं। उम्मीद करेंगे इन दवाओं से आपको एलर्जीज में फ़ायदा हो। आपको यह वीडियो साथियों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने चैनल को अन्य लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन क्लिक करके सबसे पहले नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।